हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये एक कन्फेशन है एक डिवाइन फेमिनिन का। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ पहले मैं बताना चाहूँगी। एक क्विक वीडियो है। कल की मेरी चैनलिंग में हमारी सब्सक्राइबर नीलम के जी ने एक सवाल किया था। सवाल क्या था वो आपको इस पूरे वीडियो को सुन के समझ के खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले ये जो भी डिवाइन फेमिनिन है जिन्होंने ये कन्फेशन किया है, मैं यहाँ पर किसी को छोटा नहीं दिखा रही हूँ या ना मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि कन्फेशन किया है। इट्स एन एप्रिसिएशन टू डिवाइन फेमिनिन, टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट टू डिवाइन फेमिनिन। ब्लेसिंग्स इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कन्फेस करना, बिकॉज ईगो डेथ इज द लास्ट ब्लॉकेज जो जाता है। हम आप सब गलतियाँ करते हैं पर बड़ी मुश्किल से कोई, बहुत बहुत थोड़े होते हैं जो कन्फेस कर पाते हैं। इसलिए आई मोटिवेट कि हम इतने सरल हो जाएं कि हमें कुछ कन्फेस करना भी भारी ना लगे और इतनी ब्रेवरी एक महान आत्मा में ही होती है। इसलिए मैं उन डिवाइन फेमिनिन के आगे नतमस्तक होती हूँ। आई अप्रिशिएट, आई ब्लेस। आप खूब आगे जाएंगी, अपनी पूरी जर्नी को पूरा करेंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये लाइन्स खुद पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग एंजल माँ, मैं आज एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। आपसे सेशन लेने के बाद मैंने इनर वर्क करने के लिए लास्ट 1 ईयर से कोशिश कर रही हूँ कि डिवाइन के अकॉर्डिंग चलूँ, आपको गुरु माँ बनाकर। लेकिन मैम, मेरे साथ बहुत अजीब नेगेटिविटी पीछे पड़ी है। जब जब मैं आपसे इंस्पायर होकर कुछ करती हूँ तो थोड़े दिन बाद वापस ज़ीरो पर आ गई। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, पर मैंने सोचा आपके हर वीडियो के नोट्स बनाकर पढ़ूँ। फिर नेगेटिव थिंग्स आ गई। एक दिन तो मैं आपके अगेंस्ट हो गई कि ये सब पैसे कमाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने आपको अनसब्सक्राइब करना चाहा। इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों? क्यों मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और आपके अगेंस्ट कैसे कुछ सोच सकती हूँ माँ? लेकिन आपसे सेशन फिर भी लिया था मैंने। उसके बाद तो मेरी लाइफ में चेंजेस आया कि मैं अपने घर से मासी के घर शिफ्ट हुई, जहाँ मुझे सब सपोर्ट करने वाले मिले। आई एम रियली सॉरी माँ कि मेरे मन और दिमाग में ऐसा ख्याल भी आया, उसके लिए रियली रियली सॉरी। और एक दिन तो मैं बहुत रोई भी थी, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, और फिर मैंने आपके मन में बहुत सारा सॉरी भी बोला। लेकिन आज मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ माँ, रियली सॉरी एंड लव यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स कि आपसे मुझे मिलाया, आपने हमें गाइड किया, इतना उसके लिए थैंक्स काफ़ी नहीं है मैम। यूनिवर्स ऑलवेज ब्लेस यू माँ, लव यू। आपने हर दर्द से मुझे निकाला है माँ, थैंक यू थैंक यू। आपने हमेशा इतना ज़्यादा प्यार उठाया है हम पर, जैसे यूनिवर्स ने मेरे दर्द कम करने के लिए ही भेजा है आपको। थैंक यू माँ एंड सॉरी अगेन। हो सके तो इस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को माफ़ कर देना। अब तक नादान थी लेकिन अब डिवाइन की जर्नी को पूरी पावर के साथ पूरा करूँगी। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए माँ और मेरा सॉरी एक्सेप्ट कीजिए मैम। आई लव यू डियर। आप, मेरा पूरा आशीर्वाद है कि आप अपनी जर्नी को बिल्कुल पॉजिटिवली
सक्सेसफुली पूरी करेंगी विद डिवाइन रीयूनियन। सो दोस्तों, ये बताने का अर्थ सिर्फ यही है, ये पर्पस ये था मेरा सिर्फ कि इस जर्नी पे इन द बिगिनिंग अगर आप किसी मेंटोर को इसकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करते हो, आपको जब आप इस सिचुएशन में हो कि आपको वो अच्छा भी लग रहा है पर आपको गुस्सा भी आ रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो बातें हैं वो बातें भगवान की बातें हैं, चैनलिंग है, डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग है, खुद हम लोग इंस्ट्रूमेंट होके डिवाइन के शब्दों को आपके सामने रखते हैं, तो आपकी आत्मा को तो अच्छी लगेंगी ही, और जो आपका हमेशा अच्छा चाहेगी भी, निस्वार्थ सेल्फलेसली एक माँ की तरह आप लोगों की तरक्की करना चाहते हैं हम, मतलब हमारा यूनिवर्स चाहता है आपको, आपकी जर्नी पूरी करना, आपको इवॉल्व करना, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस थीड़ी में फंसे होते हो, जिस एनर्जी से ऑपरेट करते हो, आपको समटाइम्स आप हमको नेगेटिव लेते हो इन द बिगनिंग, और उसके बाद आप भटक जाते हो, और डिवाइन टाइमिंग पर अपनी एक एक एनर्जी जो आपके इश्यूज हील करते करते जब आप हमारी एनर्जी से रेजोनेट करने लगते हो, तब आपको एहसास होता है कि नहीं, कहीं आपने भूल की थी। तो कहीं भी अगर आप में से नए सब्सक्राइबर जो भी ऐसा सोच रहे हो, आप बिल्कुल भी गिल्ट और शेम में मत जाइए। मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि लाइफ में हम गलतियाँ करते हैं, कितनी भी भारी गलती हो गई हो आपसे, कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, कभी गिल्ट मत करिए। यहाँ पर कोई भी इस प्लैनेट अर्थ में आके भगवान नहीं है, हम सब सीखने आए हैं। अगर हम संपूर्ण होते तो हम ईश्वर ना होते। यहाँ हर कोई लेसन लर्निंग के लिए ही आया है, सीखने के लिए ही आया है। तो कभी भी ऐसा ना सोचिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैम ऐसे, मुझे कई कन्फेशंस आए हैं कि मैम मैंने पहले आपको गलत समझा, मैंने आपके लिए नेगेटिव सोचा, और सब पैसे का काम है और सब बिजनेस है। कल ही एक वाइफ फेमिनिन ने मुझसे कहा, निशा नाम था, कि आपका कर्मा का कॉस्ट इतना कम कैसे हो सकता है। तो मैंने यही कहा कि मैं यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी एनर्जी ले रही हूँ, वरना माई सोल पर्पज़ और माई सोल मिशन क्या होगा। अगर मैं महंगा महंगा कोर्स बना के यहाँ बेचूँगी तो वो बिजनेस है, मैं सिर्फ अपनी एनर्जी का चार्ज ले रही हूँ। दैट्स द सोल पर्पज़ एंड सोल मिशन, कि एक स्टूडेंट भी अपनी जर्नी पूरी कर सके। सबको अधिकार है अपनी जर्नी को पूरा करने का। यह हजारों हजारों में अगर मैं कॉज लगा के, यस माई इनर वर्क्स आर वेरी प्रेशियस, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, दे कॉज इन थाउजेंड्स, बट अगर मैं इस प्रकार से इस कॉस्ट में लूँगी, अपना इनर वर्क प्रोग्राम दूँगी, तो हर एक स्टूडेंट भी या हर एक हर हाउस वाइफ उसको पूरा नहीं कर पाएगी। क्या उनको अधिकार नहीं है? दैट इज़ द रीज़न। सो ओवरऑल हम लोग अगर बैक टू द पॉइंट आएँ, तो यहाँ पर अगर आप में से किसी के भी अंदर कोई भी गिल्ट है, कोई भी शेम है कि मैंने ज़िंदगी के इस हिस्से में ये गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो आपने कुछ गलती नहीं करी। आप यहाँ पर लेसन लर्निंग करके अपनी उस गलतियों को दूर ही करने आए हो। तो कभी भी शेम और गिल्ट में मत रहिए, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं। अगर आप इस गिल्ट और शेम में कभी भी रहोगे, किसी भी लेवल की गलत हरकत, अगर सेक्सुअल डिज़ायर भी आपको होती है, तो नो पॉइंट टू बी इन द गिल्ट, बस आपको समझ के उसको दूर करना है, दैट्स इट। बस यही मकसद था मेरे इस वीडियो को आज आपके सामने रखने का। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।